नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार मीना फ्रॉम GPC धौलपुर, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ये है लेक्चर 3। एक्चुअली EL है, सब्जेक्ट कोड है EL303, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आता है आपका डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी में डोपलर शिफ्ट क्यों होता है? ठीक है, डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। इसका मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दूरी कांस्टेंट नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी लगातार चेंज हो रही है, या तो वो कम हो रही है या अधिक हो रही है, उस केस में क्या होगा? आपका डोपलर शिफ्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में। वो कैसे? देखो, माना कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और अर्थ पे एक अर्थ स्टेशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं कि आपका सैटेलाइट जो है कि अर्थ स्टेशन की ओर आ रहा है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस एक्चुअली कम होती जा रही है। उस केस में क्या होगा कि जो सिग्नल हम अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को भेजेंगे, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भेजी थी उससे बढ़ के मिलेगी। अगर सैटेलाइट दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपको पहले जो भेजी थी उससे कम मिलेगी। ये होता है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो पोजीशन होती है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशन या किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अर्थ पे हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, डिस्टेंस और एंगल दोनों ही कांस्टेंट बने रहते हैं। तो उस केस में डोपलर शिफ्ट जीरो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में। अदरवाइज बाकी सारे सैटेलाइट्स के केस में डोपलर शिफ्ट प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, बट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट देर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ। दोनों के बीच की दूरी कॉन्स्टेंट बनी रहती है, देर इज नो डोपलर शिफ्ट। ओके, एंड अगला पॉइंट है ग्लोबल कवरेज। अभी हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ग्लोबल कवरेज जो है क्या है? ए सिंगल सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कवर्स 42.2% ऑफ अर्थ स्टेशन। इसका मतलब एक सिंगल सैटेलाइट जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, वो सैटेलाइट आपको 42.2% सरफेस एरिया, जो अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 42.2% को कवर कर लेता है। कहने का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का फुटप्रिंट एरिया कितना होता है? धरती के टोटल सरफेस का 42.2%। इट मीन्स थ्री सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर तीन सैटेलाइट हम प्लेस कर देते हैं जिनका एंगल 120 डिग्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हो, इट विल गिव ग्लोबल कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस। इसका मतलब यही है कि तीन सैटेलाइट्स इनफ होते हैं, काफ़ी होते हैं पूरी धरती को कवर करने के लिए, पूरी धरती पे कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए सफिशियंट होंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स अगर हैं तो। ओके, इनका एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? देखिए, द सैटेलाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी रिलेटेड टू द अर्थ एंटीनाज, या अर्थ स्टेशन कह सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये स्टेशनरी का मतलब है स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, धरती के अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट हमेशा स्थिर दिखाई देगा, हैंस कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, चूँकि इनके बीच की जो चूँकि स्थिर दिखाई देंगे, इट मीन्स आपको एंटीना की डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये कभी एंगल इनका चेंज नहीं हो रहा है, ये एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, स्थिर हैं, इसलिए इनमें ट्रैकिंग जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और बहुत ही ईजी होता है इनमें कम्युनिकेशन करना। ए फिक्स एंटीना इज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, एक बार एंटेना को फिक्स कर दो, दैट इज़ इनफ एक्चुअली। लाइक जैसा कि हम DTS सिस्टम, अपना जो डायरेक्ट टू होम सर्विस सेवा होती है, जैसे हम टाटा स्काई घर पे लगाते हैं, उसमें अगर आपको जो सिग्नल मिलता है
जो आप ऊपर एंटीना लगाते हो अपनी छत पे, दैट इज पैराबोलिक एंटीना, और उस पैराबोलिक एंटीना की डायरेक्शन और जो एंगल है उसको एक बार फिक्स करने के बाद आपको उसको दोबारा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर एंगल है वो सैटेलाइट के साथ मैच हो गया है और वो रिसीविंग रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चूंकि सैटेलाइट की पोजीशन एंटीना के रेस्पेक्ट में, जो वो जो पैराबोलिक छतरी हम लगाते हैं ऊपर, उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी सैटेलाइट की पोजीशन, इसका मतलब है कि आपको फिर उसे दोबारा हिलाने की आवश्यकता नहीं है और आपको हमेशा सिग्नल मिलता रहेगा। देर इज़ नो ब्रेक इन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कोई ब्रेक नहीं होता है क्योंकि हमेशा स्टेशनरी है, हमेशा दिखाई भी देगा, तो बीच में कोई इस तरह का ऑब्स्टिकल है नहीं, तो हमेशा ट्रांसमिशन जो है कि कंटिन्यूस होगा, सिंस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स इज परमानेंटली इन व्यू फ्रॉम अर्थ स्टेशन, हमेशा ये एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, ठीक है, आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर जो भी है। ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कैन कवर 42.5% ऑफ अर्थ सरफेस